नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 News। लोकसभा चुनाव के मतदान का पहला चरण अब नजदीक ही है। पार्टियां चुनाव के प्रचार के लिए अब जगह जगह पर रैली करती नजर आ रही हैं। वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव की नवरात्रि के दौरान मछली खाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर जमकर आलोचना की है। बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मछली खाएं, जो भी खाना हो, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और तो कोई दिखाता नहीं है। आपका हौसला इतना बढ़ गया? क्या आप लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे? इस सीमा तक अहंकार। और बहनों भाइयों, आपने रामायण काल में भी देखा है कि जिनके अंदर अहंकार पैदा होता है उनका हर्ष क्या होता है। और इस हद तक मन बढ़ जाता है, कभी कभी कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल? जो जेल में रहे हो, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो कभी बेल में हो, जो जेल में हो बेल में हो वो गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, सारी जिंदगी जिसने देश के लिए खपा दी है, परिवार जिसने नहीं बचा, बूढ़ी मां की आजीवन सेवा करते रहे, 97-98 की उम्र हो गई थी तब तक, उस व्यक्ति को आप उठाकर जेल भेज देंगे? वो किसके लिए कमाएगा? वो भी कैसे आप भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लगाते? तो आपने देखा कि किस तरह राजनाथ सिंह तेजस्वी यादव की आलोचना करते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं, मछली, सुअर, घोड़ा या हाथी, लेकिन आपने इसका दिखावा करके उन लोगों की संवेदनाओं को क्यों आहत किया जब लोग तपस्या कर रहे हैं? राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।